डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले तो यार 2 मिनट साइलेंस उन लोगों के लिए जो इन चूतिया लोगों की वीडियो को सच समझते हैं। मतलब यार इतना चूतिया पर मचा रखा है यूट्यूब पे, कभी आदमखोर, कभी शैतान, और अब ये साइको किन्नर आ गया। और सोचने वाली बात तो ये है कि मतलब जो भी बंदा गायब हुआ है उसे ना तो उसकी फैमिली में से कोई ढूंढ रहा है और ना ही कोई पुलिस वाला ढूंढ रहा है। मतलब सबको ढूंढने और पकड़ने का ठेका इन नशेड़ियों ने ले रखा है जिनकी 24 घंटे फटी रहती है। बात तो सही है। तो ठीक है गाइस, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जय पत्रकाली सरकार, जय पत्रकाली। सबसे पहले तो तुम इनकी ये चूतियापंती देखो। मतलब जो लोग किन्नर बने हुए हैं वो बिल्कुल इनके सामने छाती पे खड़े हुए हैं, और इन नमूनों ने उन भाड़े के किन्नरों पे मतलब फुल लाइट ऑन करके जला रखी है, और फिर भी उन किन्नरों को ना तो ये दिख रहे हैं और ना इनकी लाइट दिख रही है। देखो जरा, अबे इतनी रात को जंगल में एक छोटी सी लाइट भी दूर से जलती हुई दिख जाएगी, और इन किन्नरों को ये सामने खड़े हुए भी नहीं दिख रहे हैं। अब एक बार इन चूतियों को और देखो जो किन्नर बने हुए हैं। मतलब कितनी बेरोजगारी और भुखमरी हो रही है इनके घर में, जो 100-200 रुपए के लिए किन्नर बन गए हैं। देखो जरा, खैर ये तो भाड़े पे लाए गए कुछ नमूने हैं। सबसे बड़े नमूने तो ये डोर ऑफ डेथ वाले हैं, जो व्यूज और पैसों के लिए खुद भी सूट सलवार पहन के रेडी हो जाएंगे। अबे तुम वीडियो बनाने से पहले कौन सा नशा करके जाते हो? मतलब इतनी घटिया एक्टिंग करते हो तुम सबके सब, कोई गधा भी तुमसे अच्छी एक्टिंग कर देगा। You are right, bro. और एक बार जरा वीडियो में 10 मिनट 7 सेकंड पे इस नए चिलगोजे को देखो, कैसी चूतियों वाली एक्टिंग कर रहा है। मतलब इतने सारे लोग हैं ये और इतनी सारी लाइट जला रखी है इन्होंने, फिर भी इन भाड़े के किन्नरों को इनमें से कोई भी नहीं दिख रहा। ना ये खड़े हुए दिख रहे हैं, ना ये जो झाड़ी के पीछे छिप रहा है, ना ये दिख रहा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और ये नया चिलगोजा तो पता नहीं नशा ही कौन सा करके आया है। अबे साफ दिख रही है तेरी चूतियों वाली एक्टिंग। अबे शर्म है कुछ, कुछ शर्म आया है। और एक बार वीडियो में 11 मिनट 42 सेकंड पे इनकी एक और चूतिया बनती देखो। मतलब यार ये नमूना किन्नरों के ऊपर टॉर्च मार रहा है, इतनी तेज आवाज में बात कर रहे हैं, फिर भी ना तो किन्नरों को ये दिख रहे हैं ना इनकी आवाज सुन रही है। कमाल है यार, मतलब यार जो चूतिये किन्नर बने हुए हैं वो बस 3 लोग हैं, और ये इतने सारे लोग हैं फिर भी इनकी इतनी बुरी तरीके से फटी पड़ी है। अबे मुझे तो वो कम और तुम ज्यादा किन्नर लग रहे हो। और अगर तुमने आज तक महाचूतियों वाली एक्टिंग नहीं देखी तो वो भी देख लो। एक बार वीडियो में 13 मिनट 51 सेकंड पे इस हलवाई जैसे दिखने वाले आदमी को और देखो। इनको जाने दे, क्या क्या रिस्पॉन्स आता है। देखो पीछे हो जाओ, क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। अबे कहां कहां से पकड़ के लाए हो इन नमूनों को, साफ दिख रही है इनकी चूतिया पंती, इनकी बस की नहीं है कुछ भी। और वीडियो में 14 मिनट 14 सेकंड पे इस हलवाई जैसे दिखने वाले आदमी को किन्नर उठा के लेके जा रहे हैं, और ये सारे चूतियों की तरह खड़े होके देख रहे हैं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मतलब यार इन सब ने पब्लिक को इतना पागल समझ रखा है कि मतलब किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब ये सालों सुधर जाओ, क्यों बदनाम कर रहे हो किन्नरों को। वैसे मोदी जी ने इनके लिए भी कुछ बोला है, सुनो जरा तुम भी। बहन के लिए जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ठीक है गाइज, फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चुप कर रहे कुत्ते।